हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सीए कल्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194Q, तो उस केस में हम जीएसटी कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। सो इसके रिस्पेक्ट में डिपार्टमेंट ने 30 जून को एक गाइडलाइन इशू की थी। सो उसके गाइडलाइन के पैरा 4.3.2 में उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि किस केस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे। सो इसमें दो केसेस बनते हैं। पहला केस है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें डिपार्टमेंट ने ये मेंशन किया हुआ है कि अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द अमाउंट, अमाउंट क्रेडिट करते टाइम अगर आप डिडक्ट करोगे टीडीएस, तो उस केस में जीएसटी कंपोनेंट जो है वो हम नहीं कंसिडर करेंगे और टीडीएस जो है वो हम अदर देन जीएसटी कंपोनेंट पे ही लगाएंगे। मतलब टीडीएस के जैसे दो केस होते हैं, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट इन टू द अकाउंट ऑफ द कंसर्न पार्टी, विच एवर इज अर्लियर। सो दो केसेस में डिपार्टमेंट ने केसेस वाइज ही इसको बाइफर्केट किया हुआ है कि अगर हम एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द अमाउंट, अगर ये इवेंट पहले हो रहा है तो जीएसटी कंपोनेंट पे हम टीडीएस जो है कलेक्ट नहीं करेंगे। बट सेकेंड पार्ट, अगर एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट बेसिस पे अगर हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जीएसटी कंपोनेंट को बाइफर्केट करना मुश्किल होगा। सो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है, इफ़ द टैक्स इज डिडक्टेड ऑन द पेमेंट बेसिस बिकॉज पेमेंट इज अर्लियर देन द क्रेडिट, द टैक्स वुड बी डिडक्टेड ऑन होल अमाउंट एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द पेमेंट विद जीएसटी कंपोनेंट ऑफ द अमाउंट टू बी इन्वॉइस्ड इन फ्यूचर। मतलब सिंपल सी केस स्टडी है, सिंपल सा केस है। अगर आप 194 के अंदर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो और आपका जो टीडीएस के जो मेन कंडीशंस होती है कि पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, अगर आपकी पेमेंट पहले हो रही है तो उस केस में जीएसटी को आप इंक्लूड करोगे टीडीएस डिडक्ट करते टाइम। अगर आप एट द टाइम ऑफ क्रेडिट वाला इवेंट पहले आ रहा है, तो उस केस में जीएसटी को आप इंक्लूड नहीं करोगे टीडीएस डिडक्ट करते टाइम। ओके गाइस, थैंक यू।